चुके हैं प्रियंका चतुर्वेदी, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं और कर्णिका सेठ साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। गोपाल जी, एक बहुत अहम महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने आज सामने रखी है, पहले से चली आ रही थी, पिछली सरकार ने इसमें इतना जोश नहीं दिखाया, लेकिन अब हमारी सरकार ने एक बहुत विस्तृत सी ये पूरी योजना सामने रखी है। उम्मीद करते हैं इसका पूरा डिटेल से खाका तैयार किया गया होगा। बिल्कुल, ये जो अगर आप देखें कि पहला जो इनिशिएटिव था डिजिटल इंडिया का जी, उसमें टारगेट सारे ड्रिवन थे कि कैसे 2.5 लाख विलेजेस को, पंचायतों को एक भारत नेट के थ्रू जोड़ा जाएगा, कैसे एक साइबर हाईवे बनाया जाएगा, कैसे इंटरनेट के पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाएगा और ई गवर्नेंस के सारे सिस्टम्स को, जो गवर्नमेंट की वेरियस एप्लीकेशंस हैं उनको मोबाइल ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स को बढ़ाया जाएगा। इवन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए बहुत आवश्यक है कि जो आम सिटीजन्स हैं देश के, उनको गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिले, वो अपनी बात कह सके और गवर्नमेंट के साथ डायलॉग उनका रह सके। तो यह सारी आवश्यकता डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू ही होगा। यह एक्चुअली क्या है, हमें समझना चाहिए कि जो डिजिटल इंडिया है यह अनेबलिंग एनवायरनमेंट है, यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसके थ्रू कंटेंट, जो अभी आपने एक दो लोगों की बात बताई जिन्हें कंटेंट के बारे में रिजर्वेशन था, वो तो सब एग्री करते हैं कि अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम में जब तक कंटेंट नहीं क्रिएट होगा अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट चल रहा है हर क्षेत्र में, जहां भी आप देखें। तो एक अभी एक साल ही हुआ है जिसमें हम अनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम्स को इन प्लेस डाल रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जिसमें गवर्नेंस मिनिमम हो और मैक्स ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, पार्टिसिपेशन लोगों का ज़्यादा हो, एक जो चीज़ सिस्टम के थ्रू सब्जेक्टिविटी कम हो के ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इवन अगर आपको जीएसटी का नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पार्टिसिपेशन हो। प्रियंका चतुर्वेदी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यूपीए ने 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अनाउंस किया था, लेकिन जिस तरह से पड़ी थी उस पर ज्यादा सरकार का ध्यान नहीं था। भले ही यूपीए सरकार ने इसका ग्राउंड वर्क रखा हो, लेकिन जो श्रेय है जिस तरह से एक विस्तृत फॉर्म, सुगठित फॉर्म जो इसका सामने रख रही है, वो है एनडीए सरकार। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, सिंपली बिकॉज हमारा काम नहीं था कि हम मार्केटिंग करें, हमारा काम था कि गांव-गांव को कनेक्ट करें ऑप्टिकल फाइबर लगाकर। मैं आपको बताना चाहूँ कि उस स्कीम के तहत हम करीब 2.5 लाख गांव तक पहुँचे हैं, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर 2014 तक हमने ले किए हैं। हम पंचायती राज की बात करें या पंचायती विलेजेस की बात करें तो करीब 4.25 लाख हमने विलेजेस जोड़े हैं, जो जहाँ पे पंचायती विलेजेस हैं। तो काम बहुत हुए हैं। ई गवर्नेंस को लेकर काफी सारी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हम बिल्कुल ऐसी चीजों को वेलकम करते हैं जहां पे जो यूपीए ने, मैं कहूंगी, एक ढांचा लगाया था या शुरुआत की थी, उसको ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे और उनकी नौकरियों का अवसर भी मिलेगा। मैं बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, पर 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगती हैं और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कहीं एक स्वच्छ भारत मिशन जैसा या स्मार्ट सिटीज जैसा एक इनिशिएटिव बनकर ना रह जाए, एक पीआर अपॉर्चुनिटी बनकर ना रह जाए। आएंगे प्रियंका इस पे, आएंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसकी मार्केटिंग नहीं की, ये इसकी मार्केटिंग करे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट यहाँ पर बैठी हुई है कर्णिका सेठ। कर्णिका, आप बना चुके थे? नहीं, बिल्कुल ढांचा बना। कर्णिका, आप इस इनिशिएटिव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो इनिशिएटिव है वो तो एक वेलकम इनिशिएटिव है, लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि जो जैसे हम बोल रहे हैं कि पूरे डिजिटल इंडिया होगा, पूरे गांव-गांव में कनेक्शन होगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, किस हद तक वो मटेरियलाइज हो पाएगा या मैनिफेस्ट करेगा, वो हमें देखना है। वो शक क्यों है, क्यों संशय है आपके? इसलिए क्योंकि अभी भी गांव-गांव में अगर आप दूर दूर जाएंगे, किसी भी रिमोट एरिया में, आप रिमोट एरिया की क्या बात करें, दिल्ली में ही बहुत से जगह ऐसे हैं जहां सिग्नल कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं और ये हमने अभी नहीं, पिछले 6 महीने, साल, उससे पहले भी देखा जा रहा था कि अब आज की डेट में भी दिल्ली ये फैसिलिटी पूरी तरह से अभी सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो रही है।
तो जो दूर दूर शहर हैं उनकी तो उस टाइम पे कहीं कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी कई जगह नहीं है, तो उस बात को देखते हुए थोड़ी चिंता जरूर है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, अफोर्डेबिलिटी, मोबाइल कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं और कितने बट करने का, हमारे देश में शौचालय कम है और मोबाइल यूजर्स ज्यादा हैं, मोबाइल लोगों के पास हैं, और अगर इससे कनेक्शन होता है, भले ही मुझे एक समय याद है कि जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आ रहे थे तो लोगों ने बहुत निंदा की थी, कहा था रोजगार निकल जाएगा लोगों के हाथ का, फिर हमने देखा कि कंप्यूटर्स का क्या असर हुआ पूरे, उसका क्या महत्व था। लेकिन अब जिस तरह से अगर सरकार की मंशा भी यही है, अगर मार्केटिंग भी अगर वो कर रही है, लेकिन अगर मंशा सही है तो उस लिहाज से फिर भी क्या कुछ जहन में सवाल उठते हैं क्योंकि कि किसी और एरिया में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था बनस्पति इसके। मेरे हिसाब से इसमें लिटरेसी देना पहले बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड किसी तरह से आपके पास फंड्स होंगे आप कर ही देंगे, चाहे थोड़े टाइम में करें, लेकिन साथ साथ जो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है लिटरेसी का वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जो यूजर है एंड यूजर को सशक्त नहीं बनाएंगे कि वो उस चीज को समझ सके, आज की डेट में कोई लोकल लैंग्वेजेस हैं उस तक इतनी लिटरेसी होनी चाहिए कि वो लोकल लैंग्वेज में इंटरनेट को यूज कर पाए, और इस बात की भी उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जो जो चीज इंटरनेट पे जाके जो खतरे हैं आज की डेट में, जो बच्चों के लिए आप अगर आप लिटरेसी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चिल्ड्रन के लिए लेते हैं तब भी बच्चों के लिए भी इतने ऑनलाइन खतरे हैं, तो उनको उस चीज से परिचित कराया जाए कि उनको किस तरह से अपने लिए बचाव भी करना है। ठीक है, नेट का अच्छा प्रयोग है, बहुत से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं और भी बहुत चीजें रहेंगी, वो अच्छा रहेगा। लेकिन आपने गोपाल अग्रवाल सुना होगा जिस तरह से कर्णिका ने सवाल उठाया, उनका ये कहना था कि इसके इस्तेमाल के खतरे भी हैं, बच्चों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन उससे पहले कर्णिका ने कहा शिक्षा, शिक्षित करने का उस पर ज्यादा जोर होना चाहिए था। आजिम प्रेम जी ने, हालांकि जब उनका वो भाषण आ रहा था तो मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कई लैंग्वेजेस में तमाम भाषाओं में ये सुविधा एक तरह से फोकस रहेगा, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी था कि शिक्षित भी किया जाए अपने नागरिकों को। स्कूल्स नहीं है हमारे यहाँ, टीचर्स हमारे यहाँ नहीं है, तो ये सवाल जहन में उठ रहा है क्या इसी के जरिए शिक्षित किया जाएगा, तो रीच नहीं है अपने आप में, गांव में तो सिर्फ 8% के उसकी पहुंच है और गांव में और शहरों में 37% सिर्फ, तो जो जमीनी स्थिति है वो ठीक नहीं है इस बड़े सपने के लिए। नहीं देखिए, मैं जो जो चीज़ें बात में आई मैं इन सब से एग्री करता हूँ, और ये सब क्या है, ये एड ऑन्स की तरह है, लोग कह रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, उसका अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए, तो सबसे पहली बात कि ये एड ऑन्स पहले या बेसिक काम होगा तभी एड ऑन्स होंगे, तो हम ये जितनी भी सजेशंस यहाँ आ रहे हैं इससे एग्री करते हैं कि ये सब की आवश्यकता है, लेकिन पहले यह डिजिटल एक फोकस अप्रोच चाहिए, तो इसलिए ये सारे एड ऑन्स कहाँ से हुआ, ये तो जमीनी हकीकत हुई ना, ये एड ऑन कहाँ से हो गया, जब रीच ही नहीं है, जब रीच नहीं है, जब शिक्षित नहीं है, जब इतना पैसा नहीं होगा उनके हाथ में, तो ये एड ऑन तो नहीं हुआ, ये तो जमीनी हकीकत हुई। नहीं देखिए, ये रीच की बात है, जहां तक इसमें दो पर्पज है, आपने यहाँ पे 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात है, दूसरा 18 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात है। अल्टीमेटली अगर आप आज आप देखें कि हमारे यहाँ मोबाइल हर घर में है, आप खुद ही कह रहे हैं, तो यह जो चीजें हैं ये सारे साइमल्टेनियसली चलेंगे, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये फोकस्ड अप्रोच है, जब आप इतने मिनिस्ट्रीज को इतने डिपार्टमेंट को एक प्रोजेक्ट के अंडर एक मिशन मोड में लाते हैं तभी, और इसका मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हैं तभी आप अचीव करेंगे। अगर आप स्कीम लॉन्च कर देते हैं और उसका मॉनिटरिंग नहीं कर देते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगा लेते, इट इज़ द इनिशिएटिव जो है पीएमओ की तरफ से, इसका मतलब कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी और एक फोकस्ड है। आप देखिए, चाहे आप स्मार्ट सिटी की बात करें, ये जो कुछ स्कीम्स हैं वह बिल्कुल फोकस अप्रोच के लिए, चलिए वाकई में कितनी फोकस है। प्रधानमंत्री ने भी बच्चों का जिक्र किया है, हमारे यहाँ क्या कुछ प्रावधान लाए जाएंगे, अमेरिका में तो जिस तरह से बच्चों के लिए फेसबुक आप इतनी उम्र से पहले ना यूज करें, हमारे यहाँ तो 13 साल के कम उम्र के बच्चे आराम से यूज कर लेते हैं, तो तमाम पहलू हैं, क्या उसको उस पर भी कुछ दिशा निर्देश के साथ, कुछ एक योजना के साथ सरकार आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम बड़ी खबर में ले रहे हैं, और सुरक्षा के मद्देनजर, हमारी सामरिक सुरक्षा के मद्देनजर क्या पहलू होंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
बड़ी खबर के प्रायोजक है होटल ट्रिवागो। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। रूपा फ्रंटलाइन, वेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉर्स, ये आराम का मामला है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आप जहां जॉब्स वहां, shine.com। और कब्ज का स्पेशलिस्ट, जो देर रात भर में आराम, जंडू नित्यम टैबलेट। Lovely Professional University, Transforming Education, Transforming India. Creta, arriving soon. S6 Edge क्लासरूम तो जश्न है सपनों का। IDM University Gwalior, celebrating dreams. सौ क्विंटल फैब्रिक में यूं खरीद लेता हूं, ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसी काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसी खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। भरोसा सिर्फ आरओ के एक्सपर्ट लिफ्ट प्योर पर, जो हर तरह के पानी को करे सबसे शुद्ध और बीमारी रखे हमेशा दूर। दीदी कितनी शाई है ना। वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी शर्माती है। प्रिया गोल्ड सीएनसी, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर, KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। KEI स्पीडी की फास्ट कार, सेठ जी की बॉस कार, कुकी की बड़ी कार, पेरिस की चकास कार, बास्को की नाटी कार। यहाँ है लाखों यूज्ड कार्स, हजारों सर्टिफाइड कार्स। कार है लेना, कार ट्रेड है ना। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? प्रस्तुत करता है पतंजलि केशकांति, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का संपूर्ण समाधान। इस साल तो फर्स्ट रैंक, उसके लिए सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है। तो लिखो ना। तो दो ना। क्या? फ्लेयर राइटोमीटर पेन, सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन। बस फ्लेयर राइटोमीटर पेन और कुछ नहीं। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? Samsung.
Galaxy S6, S6 Edge. तो आज प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की महत्वाकांक्षी योजना सामने रखी है, इसका वाकई में स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जमीनी हकीकत या जमीनी तैयारी पर उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कहा कि जो आज की भावी पीढ़ी है वो कहीं डिजिटल डिवाइड में पीछे ना रह जाए। उन्होंने कहा जो बच्चे हैं आजकल के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपका ऐनक नहीं छूते हैं, आपका फोन सबसे पहले निकालते हैं। अगर हम इसमें बच्चों के क्षेत्र की ही बात करें, कुछ समय ले लेते हैं इसके लिए, हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। गोपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये था, मैं एक आर्टिकल में पढ़ रही थी कि अमेरिका में जो फेसबुक है 13 साल से कम उम्र के बच्चों को एक तरह से वर्जित है, कोई ठोस कानून नहीं लेकिन एक तरह से वर्जित है, लेकिन हमारे देश में 8 से 13 साल के करीब 73% 73% बच्चे इंटरनेट पर सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर औसतन 3.5 घंटे गुजारते हैं। बहुत अच्छा है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए, इस पूरा इनिशिएटिव का, लेकिन क्या इसमें आराम से चलें, या इसमें प्रधानमंत्री ये भी कह देते कि कुछ आप अपने आप की तरफ से कुछ संयम बरतें, उस लिहाज से कैसे देख रहे हैं इसे आप? नहीं देखिए, इस सारे इनिशिएटिव के साथ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी की भी बात की प्रधानमंत्री जी ने। मैं आऊंगी उस पे, मैं आऊंगी उस पे। और दूसरी बात क्या है कि इसके साथ कई पॉलिसीज है, आप देखें इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड की बात है, फिर नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल एक्सेलेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, ईमेल पॉलिसी है, इंटरनेट एक्सेस की पॉलिसी है, ये सारे। मैं ई कॉमर्स पे भी आऊंगी गोपाल अग्रवाल, किस तरह से हमारे देश में करीब 13 अरब डॉलर का ई कॉमर्स होता है, उसमें क्या जमीनी तैयारियां हैं। हम किसी गांव वाले के हाथ में बोल दें कि बेटा आपके पास तो ये फोन है, आप अपना बिजनेस करिए, लेकिन क्या वो बिजनेस जायज रहेगा, क्या उसका पैसा कहीं डूबेगा तो नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो बच्चों वाला बात जो आप मैं पूछना चाह रही थी, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऑनलाइन में बहुत सारे खतरे हैं। जब हम साइबर स्पेस की बात करते हैं, आज की डेट में आप देखेंगे साइबर बुलिंग बहुत ऑन द राइज है, अगर आप देखेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इस तरह के खतरे जो हैं बच्चों के लिए, तो जब तक हम ग्राउंड लेवल पे जाके गांव में भी उनको सतर्क नहीं करेंगे इन चीजों से, तो वो उस चीज का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करेंगे और अपना बचाव कैसे करेंगे, करेगा तो इसके लिए क्या करे सरकार? मेरे ख्याल से तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ये एनजीओज होते हैं या और भी बॉडीज हैं जो इसमें वॉलंटियर कर सकती हैं, गांव-गांव जाकर के वो जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनकी भी राय लीजिए, किस तरह से उनको एक्सप्लेन किया जाए, क्या कैसे समझाया जाए, एक बेसिक ट्रेनिंग देना मेरे हिसाब से प्री रिक्विजिट है, एक एड ऑन नहीं। हाँ, जो TRAI के चीफ ने मिस्टर खुल्लर ने जो सवाल उठाया कंटेंट का, तमाम योजना सामने है, और गोपाल आप जिस तरह से बता रहे थे कितने पॉलिसी इनिशिएटिव्स आज सरकार ने सामने रखे हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो सामने नहीं आया। उनका ये कहना है कि भाई ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की तरह नहीं है कि इंजीनियर्स और ब्यूरोक्रेट इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, उनका ये कहना है किस तरह का कंटेंट होगा उसके लिए एक्सपर्ट पैनल को आप बनाएं और फिर आगे बढ़े, स्वागत करते हैं। नहीं नहीं देखिए, बिल्कुल हम उनकी बात को डिसएग्री कर ही नहीं रहे, कंटेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ही आता है सबसे पहली बात, और जो पॉलिसीज है या ग्रुप्स हैं, जो इनिशिएटिव है, रिसर्च डेवलपमेंट फंड्स हैं, ये सारे चीज मिलके ही तो इस चीज को क्रिएट करेंगे। अगर आप कहते हैं ये कंटेंट पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर एक्सेस टू द कंटेंट अनचेक्ड हो गया तो ये टेररिस्ट लोग भी मिसयूज कर सकते हैं, एंटी नेशनल इलीगल एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, तो सारी चीजें होंगी, और पोर्नोग्राफी जो आप सारी बातें कर रहे हैं ये कंसर्न्स तो है ही, तो इसलिए आज भी आप इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपको एक्सेस की रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी। यह सब थ्रू पॉलिसी इनिशिएटिव डिस्कशंस, अवेयरनेस क्रिएशन, और उसके बाद स्कूल एजुकेशन लेवल तक जाना है। आप देखिए IT में हमारे देश ने इतनी तरक्की क्यों की, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, IT प्रोफेशनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक इंटरनेट का वो सेटअप था, उसके बाद तो पावर भी चाहिए, कई कहेंगे कि अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा, तो पावर जनरेशन की बात बिल्कुल मंशा से ये जो चीजें बात की है जी, केवल यही मेरे ख्याल से ये प्रीरिक्विजिट है। साइबर लॉ के जो चीफ वो कोर्ट के है, ऐसे है कि अभी साइबर लॉ को देखेंगे तो अभी भी काफी चीजें रहती हैं इसमें,
उसमें करने की। जहाँ तक आईटी एक्ट का सवाल है, उसमें भी कई प्रोविजंस, कई रूल मेकिंग नहीं हुई है। कहीं 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 आप देखेंगे, अगर बच्चों को लेके आप कहते हैं तो पॉस्को एक्ट के अंदर अभी भी बहुत सारे कोर्ट्स नहीं बने हैं, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं जो अभी नहीं बने हैं, या जो पुलिस ऑफिसर्स ट्रेंड होने चाहिए फॉर चिल्ड्रन सेफ्टी वो भी नहीं है। अब लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये सब जब हम एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम इस सब को अलग नहीं रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये होलिस्टिकली देखना चाहिए। डिजिटल डिवाइड प्रोग्राम सिर्फ ये ही नहीं है कि हम सब तक ये पहुंचाएं, इंटरनेट पहुंचाएं, ये अच्छी बात है और हम इसे वेलकम करते हैं, लेकिन इसके साथ जो एक स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए कि साइबर लॉ और उसकी इन्फोर्समेंट को टोटली कैसे एनहांस किया जाए, मेरे हिसाब से वो एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल हम तो एग्री कर रहे हैं। ये तो कहीं भी ये चीज को डिसएग्रीमेंट की बात ही नहीं है, या बाकी चीजें नहीं होंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सारी रिक्वायरमेंट है, दे आर पार्ट ऑफ द होल मिशन डिजिटल इंडिया वीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर उसपे चीजें क्या है, स्ट्रेटजी सामने नहीं आई, वो स्ट्रेटजी होना जो हमेशा से हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट सुनते आए हैं वही है। जी प्रियंका, आपका कमेंट, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊंगी। जी निधि जी, मैं बस एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, अग्रवाल जी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि कल ही में एनआईसी के हैंडल से, एनआईसी सर्वर्स इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वर्स हैं, वहां पे हमने देखा किस तरीके से कंटेंट चेंजेस होते हैं। ये कंटेंट चेंजेस पे भी हमें ध्यान रखना जरूरी है कि आप इतिहास के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं या इम्पोर्टेंट इतिहास है आप उसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी की बात करते हैं, हमें ये भी वो गलत हाँ। तो इसका इंक्वायरी भी होनी चाहिए और ऐसी चीजें नहीं हो तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना चाहिए कि ये एक नॉर्म ना बन जाए कि हम चीजें फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पूर्वजों पर कुछ इस तरह से किया जाता है, ये वाकई में अपने आप में इस पे जांच होनी चाहिए। मैं दूसरा पहलू गोपाल जी लेकर आना चाह रही थी, वो ई कॉमर्स का मौजूदा बाजार करीब 13 अरब का है। आप प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आपको बैंकिंग के लिए कुछ दिनों में आपके लिए बैंकिंग में प्रमाइसेस में आपको नहीं जाना होगा, आप सिर्फ सब कुछ अपना मोबाइल पे कर पाएंगे। जो हमारे ग्रामीण भारत के लोग अपना जो व्यापार है वो भी फ़ोन पे कर पाएंगे, लेकिन फिर क्या कुछ उसके लिए सुरक्षा के पहलू मौजूद हैं? क्योंकि मुझे जो मैं आर्टिकल सारे पढ़ रही हूँ उसमें करने का सवाल यही उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा नहीं अगर कोई आपको ड्यूप करे। कई लोगों के पास अभी तक UID भी नहीं है। आप ये देखेंगे कि जब हम उनकी कितनी तैयारी में हैं वो लोग, तो ये देखेंगे तो उनको OTP का मतलब भी नहीं पता होगा। उनको OTP यूज़ करना है, उनको पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, और किस तरह से अपनी सुरक्षा रखनी है, क्या वो फिशिंग को समझ पाएंगे? आज की डेट में इंटरनेट पे अगर आप HDFC या कोई भी बैंक का नाम रखेंगे तो उसके कितने फेक वेबसाइट्स, 10 फेक वेबसाइट्स आपको साथ मिलेंगी। क्या वो इतने सतर्क हैं कि वो कौन सी ओरिजिनल रियल वेबसाइट है उस पे जा पाएं? तो जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, मोबाइल आप उनके हाथ में दे देंगे, लेकिन सारे सर्वर्स है, बड़ी अमेरिकी सब कंपनियां हैं, उनके सारे सर्वर्स बाहर है, यहाँ पे है नहीं, हमारी जो है इससे हमारी साइबर जो हमारी सामरिक जो मैंने इन्फोर्समेंट में देखा है आज की डेट में, जो 6 महीने साल में कोई केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा, जब तक हमारे को आप मानेंगे के डेटा जब हमें चाहिए जीमेल से चाहिए या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से चाहिए, अगर उनके सर्वर बाहर हैं जैसे व्हाट्सएप है और भी एप्लीकेशंस हैं, उनसे हमें डेटा नहीं मिलता। और अगर डेटा मिलता है तो वो इतना पुराना हम मतलब केस हो जाता है कि उसमें एविडेंस ही टैम्पर हो जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगा। और गाइडलाइन नहीं है अभी भी, गवर्नमेंट के पास पावर है, डेटा मिलना मुश्किल है, बड़ी एक गवर्नमेंट के पास पावर है, पूरी लेकिन गाइडलाइन नहीं है कि कितनी टाइम तक डेटा स्टोर होना जरूरी है, ISPs को कब तक ये स्टोर करना है। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने ये रक्तहीन युद्ध जो कहा उन्होंने, साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे, लेकिन वाकई में जमीन पर कितना इस पे आगे काम किया गया है। बहरहाल जो आज योजना सामने रखी गई एक बार फिर से नए तरीके से, उसका देश स्वागत करेगा। आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग बड़ी खबर में ले रहे हैं। आपको अमरनाथ यात्रा का जो पहला जत्था है आज रवाना हुआ, कुछ सवालों के बीच रिपोर्ट दिखाएंगे, बने रहिए बड़ी खबर के साथ। हमें अनोखा क्या बनाता है, छोटी छोटी बातें। दीवाना उड़ा रे, मस्ताना उड़ा रे, उड़ चल तू लेके संग अपनी ये जिंदगी, ओ सुन ले क्या कहती है धड़कन ये तुझसे तेरी।
ये छोटी छोटी बातें कितना कुछ कह जाती हैं। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। Not just a college, but a university. An interdisciplinary education hub. Tirthankar Mahavir University. पेश है नया फ्लेमिंगो कूल पैक। इसकी इनोवेटिव जेल की एडवांस कूलिंग थेरेपी दर्द से तुरंत आराम पहुंचाए। फ्लेमिंगो कूल पैक, दर्द और स्ट्रेस से ठंडी राहत। ओ जन्मी बेटी भोलू, घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हैं मटके पानी से, डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ, देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान। पीने का पानी रखो साफ, उसमें न डालो अपने हाथ। पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे, जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। फैन में एलईडी? बेबी इटालियन और चाइनीज? फैन में एलईडी? जी हाँ, अब ल्यूमिनस डिजाइनर फैंस में एलईडी। ल्यूमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। जिसके लिए आधी से ज्यादा दुनिया तरसती है, उस पानी की यूं ही लीकेज और सीपेज होने देंगे तो क्या जवाब देंगे दुनिया को? साहब, साहब, कौन सा पाइप? बेक्टिस लीक प्रूफ पाइप्स और टैंक्स, हर बूंद के लिए, जिंदगी के लिए। बचपन में पाया था, आज भी है साथ। कॉन्टिनेंटल टू व्हीलर टायर्स, मेड बाय मेट्रो। लिए सपने निगाहों में, चला हूं तेरी राहों में, जिंदगी group of institutions, career begins here. Travel, food, shopping, jo bhi chaho, pay with MobiQuick aur pao cashback bhi. Download the app today. MobiQuick, it's more than a wallet. पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठिए एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगानिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। पुराने लेंस ने दिया धोखा? पेश है नया स्विस लेंस, बेमिसाल क्लैरिटी अब सिर्फ 999 रुपए से। अब सब कुछ साफ नजर आएगा। स्विस लेंस फ्रॉम GKB। शूट करो अपने फ्रेंड्स के साथ टिक टैक डांस, शेयर करो और पाओ वेगास घूमने का चांस। एंड योर डांस विल बी जज्ड बाय नन अदर देन रेमोसा हिमसेल्फ। फ्लिप इट, मूव इट, शेयर इट एट tiktaktovegas.com। लोग कहते हैं कि गुलाब जामुन जैसे वो खाते हैं एक तेज झंझनाहट महसूस होती है। हो सकता है कि आपको सेंसिटिविटी की तकलीफ, आप अपना टूथपेस्ट बदल के सेंसोडाइन इस्तेमाल कीजिए। ये दांतों की नसों पे जाके आराम दिलाता है। आप लोग यही कहते हैं वो गुलाब जामुन फिर से खा सकते हैं। इस साल तो फर्स्ट रैंक, उसके लिए सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है। तो लिखो ना, तो दो ना, क्या? फ्लेयर राइटोमीटर पेन, सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन। बस फ्लेयर राइटोमीटर पेन और कुछ नहीं। आज तुम्हारे हाथ के पराठों ने तो माँ की याद दिला दी। और लेकर आती हूँ। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूँ जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। अब आप फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी LPG सब्सिडी गिव अप कर रहा हूँ। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियां चुनते हुए देखा है। मेरे लिए खाना बनाते हुए, धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। आप भी अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए www.mylpg.in या www.giveitup.in पर लॉगिन करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोस्त, लाइफ में लग गई वाट? सो वाट? डाउनलोड shine.com का मोबाइल ऐप। अब तुम जहां, जॉब्स वहां। shine.com।
कुछ भी ठंडा या खट्टा खाते ही क्या आपका गला खराब हो जाता है और आपको एलर्जी हो जाती है? जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, बैकसेंस होम्योपैथी की थ्रोट एड अपनाएं। ये आपको बार बार गला खराब होने से बचाए। बैकसेंस थ्रोट एड, इफेक्टिव विदाउट साइड इफेक्ट्स। बैकसेंस होम्योपैथी। कुछ भी ठंडा या खट्टा खाते ही क्या आपका गला खराब हो जाता है और आपको एलर्जी हो जाती है? जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, बैकसेंस होम्योपैथी की थ्रोट एड अपनाएं। ये आपको बार बार गला खराब होने से बचाए। बैकसेंस थ्रोट एड, इफेक्टिव विदाउट साइड इफेक्ट्स। बैकसेंस होम्योपैथी। जिंदगी में सबको चलना तो पड़ेगा, कभी कूदना पड़ेगा, दौड़ना तो पड़ेगा ही। दौड़ो कूदो या चलो, पैरागॉन पैरालाइट। इस साल तो फर्स्ट रैंक, उसके लिए सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है। तो लिखो ना। तो दो ना। क्या? फ्लेयर राइटोमीटर पेन, सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन। बस फ्लेयर राइटोमीटर पेन और कुछ नहीं। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार यात्रा आतंकियों के निशाने पर है और पाकिस्तान बेस आतंकी संगठन गड़बड़ी फैला सकते हैं। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। 1300 यात्रियों का यह जत्था 2 जुलाई को 14,500 फुट की ऊंचाई पर कुदरती ढंग से बने शिवलिंग के दर्शन करें।